हमारी माताएं बहनें हमारे देश भारत के जो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता हैं, वो सपना भी अगर देखती हैं तो अपने पति के साथ में मध्यम परपति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे नंबर के हमारी जो बहनें पतिव्रता हैं, सामने से कोई पुरुष जा रहा है, पिता की उम्र का है तो अपने पिता समझती हैं, भाई की उम्र का तो उसे अपने भैया समझती हैं, पुत्र की उम्र का तो पुत्र के भाव से देखती हैं। बहनों ध्यान करना, लेकिन रानी पौनरेखा उत्तम श्रेणी की पतिव्रता है। बंदों एक दिन की बात है, महाराज उग्रसेन सुबह सुबह स्नान किया और स्नान करने के बाद में भगवान का भजन और भजन करने के बाद में भोजन, भोजन और भजन से निवृत्त होकर महाराज उग्रसेन अपने दरबार के लिए चले जाते हैं। जब महाराज उग्रसेन दरबार के लिए चले जाते हैं, बहनों इधर महारानी पौनरेखा अकेली महल में बैठी हैं। दोपहर का समय है, आज महारानी पौनरेखा बड़ा व्याकुल है क्योंकि महारानी पौनरेखा की गोदी सुनी है। महारानी पौनरेखा कुछ विचार किया तो महारानी पौनरेखा की आंखों में आंसू निकलने लगे। महारानी पौनरेखा की मानी ने देखा, हाथ जोड़कर निवेदन किया, महारानी क्या बात है बहनों? महारानी पौनरेखा कहने लगी, बहन आज अंदर से मन बड़ा दुखी है, मेरा मन नहीं लग रहा है, आप एक काम करो, चली जाओ, मेरे स्वामी को यथाशीघ्र बुला कर लाओ। एक ही बंदिया लई बुलाई और कही समझाई चली निक जारी, अब मेरे स्वामी को आज रे महलन में बुलाए के लारी। और बंदिया लई बुलाई कही समझाई चली निक डारी, बहन मेरी डारी मेरी गुइया डारी, अब मेरे स्वामी को आज रे महल में बुलाए के लारी। और रुन झुन रुन झुन बंदिया चली भई मुझ कती चली मरो राजा, और रुन झुन रुन झुन बंदिया चली भई मुझ कती चली मरो राजा, अब के गई मांझी भो गई मांझी पांझी लगी बराबर राय। और जहां दरबार है तो तेरा जाको बंदिया रही गई शीश नवा, और जहां दरबार है तो तेरा जाको बंदिया रही गई शीश नवा, अरे ओ महाराज महल को चलिए तुम्हें पटरानी नहीं बुलाए। और उन्हीं पाए देखो जब सैया ने उठ जानी करो प्रणाम, हाथ पकड़ के तब राजा को अटुआ सन पे लबो बैठा। मेरे नौजवान साथियों, आज महारानी पौनरेखा अपनी बांदी को बुला करके यथाशीघ्र महाराज के पास में भेजा। आई महाराज उग्रसेन आज
बांदी की बात सुनकर के बांदी जब पहुंची महाराज, उसने कहा कैसे आई हो।